सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं दी वेज ऑफ डॉक्टर डूलिटिल मूवी के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि इस फिल्म का डॉक्टर डूलिटिल मूवी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये फिल्म बेस है हग्स लॉफिंस की फेमस बुक से, जिसे पब्लिश किया गया था 1922 में। तो अब ये बात क्लियर हो गई, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक लाइव एक्शन मूवी है जिसकी रिलीज डेट कन्फर्म कर दी गई है, और इस फिल्म की रिलीज डेट है 12th April 2019। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं स्टीफन गैगन, जिन्होंने इसके पहले गोल्ड सीरियन जैसी मूवी डायरेक्ट की है। साथ ही साथ उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी को भी लिखा है, और ये फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स के अंडर आती है। और इस बुक का पहले टीवी शो भी बन चुका है 1984 में, जिसमें पहले डॉक्टर डूलिटिल का रोल किया था जॉन स्टीफेंसन ने। तो अब इस पर एक लाइव एक्शन मूवी बनने जा रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत खास होगी, क्योंकि हम पूरे 4 साल बाद हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर को कुछ अलग रोल करता हुआ देखेंगे, क्योंकि हमने उन्हें आयरन मैन के अलावा और कोई दूसरा रोल करते हुए नहीं देखा है इन पूरे 4 सालों में। इसके पहले हमने उन्हें दी जज मूवी में हांग पेलमर का रोल करता हुआ देखा था, और अब सीधे 4 साल बाद वो हमें डॉक्टर डूलिटिल का रोल करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद शायद हमें वो फिर से शेरलॉक होम्स के रोल में नजर आ जाए, क्योंकि उस फिल्म पर भी वो काम जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो अब बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म के डायरेक्टर स्टीफन ने इस फिल्म की पूरी कास्ट रिवील कर दी है, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, रॉबर्ट डॉनी जूनियर के अलावा इस फिल्म में काफी बड़े बड़े एक्ट्रेस अपनी वॉइस देने वाले हैं। तो मैं एक एक करके आपको उन सबका नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हमारे डॉक्टर डूलिटिल, उसके बाद इमा थॉम्पसन, फिर रेमी क्रेड गॉबिन्सन, ऑक्विया स्पेंसी, रैल्फ फेनेंस, चेयरमैन इजेगो, मारियो कॉटिलेड, फ्रांसिस देलातूर, कुमेल लांजियानी, शेरलिन गोम्स, जॉन सीना और हमारे स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड। तो एक बार फिर इन्फिनिटी वॉर के बाद हम हमारे स्पाइडरमैन और आयरन मैन को साथ में देखेंगे। तो अब कास्टिंग से आप ये समझ गए होंगे कि ये फिल्म कोई छोटे बजट की फिल्म नहीं है। तो अब वेट करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर का, और अगर इस फिल्म को लेकर कोई भी अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय है बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।